इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए, पहला है एक्स एन इज इक्वल टू ए की पावर एन यू एन एंड सेकंड है माइनस ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जेड ट्रांसफॉर्म की, वहां पर क्या देखा था, अगर सिग्नल हमारा राइट साइडेड है तो उसका आर ओ सी जो होगा सबसे बड़े वाले पोल से बाहर की तरफ होगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर हमारा सिग्नल एंटीकोजल है यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो हमारा आर ओ सी क्या होगा, सबसे छोटे वाले पोल से अंदर की तरफ। ठीक, तो इसी पे बेस देखो हम क्वेश्चन करेंगे, उसी के आर ओ सी हमारा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ये उसी के अकॉर्डिंग आएगा भी, देखना यहाँ पे। ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है उसका करते हैं। सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है वो लिखता हूं मैं, क्या होता है, सबसे पहले वीडियो में बताया था एक्स ऑफ जेड समीशन एन इक्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड की पावर माइनस एन, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले पार्ट करते हैं, जब एक्स एन की वैल्यू ए की पावर एन यू एन दे रखी, ए की पावर एन यू ऑफ एन, यू ऑफ एन का मतलब क्या, वैल्यू जीरो से शुरू हो रही होगी। अगर यू ऑफ एन की मैं डेफिनेशन बताऊं क्या होती है, इसकी वैल्यू वन होती है जब एन की वैल्यू जीरो से या जीरो से इक्वल होगी, जब एन की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी तब क्या होगा, वैल्यू जीरो होगी। तो ए की पावर एन यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ जेड विल रिड्यूस टू, इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, जीरो से शुरू हो रही है इनफाइनाइट तक जाएगी, जीरो से शुरू है इनफाइनाइट तक जाएगी क्योंकि जीरो से छोटे पे वैल्यू जीरो है। एक्स एन की वैल्यू क्या बचेगी जब लिमिट को चेंज करती है, ए की पावर एन मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर माइनस एन। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, a इंटू जेड की पावर माइनस वन, जब पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, ये लिख लिया हमने, और अभी ये क्या एक जीपी सीरीज बन रहा है, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो एक जीपी सीरीज बन जाएगा, ये n की वैल्यू पहले मैंने जीरो रखी, ये चीज हम स्कूल में पढ़ते हैं, देखते ही सब आ गया होगा, बस जीपी सीरीज का इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, कहां तक जाएगी, अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको मैं लिखता हूं, एस जो सम का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, जहां पे आर की डेफिनेशन क्या होती थी, स्कूल में हम पढ़ते थे वन से छोटा होना चाहिए, ये सब हम स्कूल में पढ़ का है। ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, आर क्या होता था कॉमन रेशियो, तो इसको अब लिखते हैं, ए जो होता फर्स्ट टर्म होता है यानी ए जेड की पावर जीरो यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं ऊपर से कंपेयर करने जाऊं ए की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू जेड की पावर माइनस वन की पावर जीरो, जो कि होता किसी पावर जीरो तो उसकी वैल्यू वन, कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, ए जेड की पावर माइनस वन अपॉन एक ए जेड की पावर माइनस जीरो, जो कि किसके इक्वल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो वैल्यू वन हो जाएगी और कंडीशन क्या बन जाएगी, आर जो होना चाहिए वन से छोटा होना चाहिए। तो पहले सम फाइंड कर देते हैं, तो एक्स ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एक्स ऑफ जेड ए की वैल्यू वन, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू ए जेड की पावर माइनस वन। ठीक, ये आ गया इसका जेड ट्रांसफॉर्म, उसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो आर है वो वन से छोटा होना चाहिए, यानी आर क्या मेरा ए जेड की पावर माइनस वन, वन से छोटा होना चाहिए, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए अपॉन जेड लेस देन वन, बाय मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यूमरेटर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, डिनोमिनेटर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब मोड जेड से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, मोड जेड क्या आना चाहिए,
मोड ए से बड़ा होना चाहिए। हमें यहाँ से एक चीज पता चली, एक्स ऑफ जेड जो आया हमारा 1 अपॉन 1 ए माइनस जेड इनवर्स आया, जो ए की पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म है, हमें क्या मिला 1 ओवर 1 माइनस ए जेड इनवर्स, जहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो मोड ऑफ जेड है, मोड ऑफ जेड मतलब सर्किल, ऐसा सर्किल, मोड ऑफ जेड का मतलब होता है सर्किल जिसका सेंटर जीरो हो, वो क्या होना चाहिए, ए रेडियस के सर्किल किसे क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी, अगर हमारा सिग्नल लेफ्ट हैंड साइडेड है देन क्या होगा, पोल हमारा कहां पर आया, पोल फाइंड कर सकते हैं। इसे दूसरी तरीके से क्या लिख सकता हूं मैं, और ए जेड इनवर्स है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं जिससे हमें याद करना है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, किताब में ऐसे भी लिखा रहता है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं, न्यूमेटर में और डिनोमेटर में जेड का मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड अपॉन, क्योंकि हमें पावर नेगेटिव कटाना, तो जेड माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जेड से, और यहाँ पे की वन से जेड हो जाएगा, इस वाले में ए इंटू जेड की जेड इनवर्स करूंगा तो वन ही हो जाएगा, यानी ए अपॉन जेड माइनस जेड इनवर्स। तो यहां से भी तुम इसका देखो पोल फाइंड करोगे कहां पर आएगा, ए पे, फिर क्या करना, मोड जेड का मतलब है सर्किल खींच देना, ठीक है। तो आरओसी जो है मोड जेड से वो क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, तो इसका आरओसी बना देते हैं, आरओसी ये हमारा कौन सा है, रियल ऑफ जेड एक्सिस, ये इमेजिनरी ऑफ जेड एक्सिस। आरओसी क्या कहता है, मोड जेड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ होना चाहिए, तो हम इसे बाहर की तरफ खींच देंगे, तो मेरा आरओसी जो है मोड जेड वाले सर्किल से बाहर होना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए इससे, ठीक है, इससे बाहर की तरफ होना चाहिए, ये हो जाएगा इसका आरओसी। इससे बाहर का प्लेन जितना भी होगा इस सर्किल के बाहर का, वो सब आरओसी आएगा, आरओसी मतलब उस ही रीजन में ए की पावर एन यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक, ये हो गया मेरा क्या, आर ओ सी, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो पहले ए की पावर एन यू एन का हमने जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया, जो जेड अपॉन जेड माइनस ए आया, जहां पे कंडीशन क्या है, मोड जेड मोड ए से बाहर की तरफ होना चाहिए, कहना मतलब मैंने पहले बताया था अगर सिग्नल हमारा राइट हैंडेड साइडेड है तो उसका जो आर ओ सी होगा वो बड़े जो इसमें तो एक ही पोल मिला हमें, तो उस पोल से क्या होगा, जो भी अगर दो होते तो सबसे बड़े वाले पोल से बाहर की तरफ होता, तो एक ही पोल है तो इसका मतलब उस पोल से बाहर की तरफ होगा जो कि हमें मिला भी है, जो प्रॉपर्टी से हमने देखा था। सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम अंदर लेफ्ट हैंडेड साइडेड का है, तो हमें आर ओ सी देखते ही समझ आ गया होगा, कुछ चीजें हमें देखते ही समझ आनी चाहिए, माइनस ए की पावर एन U माइनस एन माइनस वन, कैसे पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइडेड राइट हैंड साइडेड, U के साथ नेगेटिव n आ रहा तो वो लेफ्ट हैंड साइडेड होगा, अगर प्लस n है तो राइट हैंड साइडेड होगा, केवल नेगेटिव साइन से पता लगाना है, ठीक है, n के, तो U माइनस एन माइनस वन का मतलब क्या, पहले इसकी मैं डेफिनेशन बता दूं, U माइनस एन माइनस वन का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू वन रहेगी क्या, कब तक, जब n की वैल्यू क्या हो, माइनस वन से छोटी हो, जब एन के वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी वन से माइनस वन से, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगेन जब इसके हिसाब से हमारा एक्स ऑफ जेड कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड का फॉर्मूला लिख देते हैं अगेन, पहले वाले की तरह ये सेम, लिमिट इस बार चेंज हो जाएगी बस, इस बार n माइनस वन से छोटा तो कहां तक जा रहा होगा, माइनस इंफिनिटी तक, माइनस वन, इसकी वैल्यू वन रहती है, यानी इसकी वैल्यू क्या रही है, इसकी वैल्यू वन रहती है, तो हमारा x ऑफ n कितना बचेगा, केवल x ऑफ n ये बचेगा, इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू वन हो गई, तो हमारे पास x ऑफ n कितना बचेगा, माइनस ए की पावर n, माइनस ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय z की पावर माइनस n, ठीक, बस अभी सी को सोल्व करना है, अगेन बस इसको अगेन ये क्या बन जाएगा हमारा, इस नेगेटिव साइन को मैं बाहर ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, और a इंटू जेड की पावर माइनस वन
की पावर एन लिख लिया मैंने ऐसे। अब क्या करता हूं, देखो लिमिट अभी नेगेटिव है हमारी, लिमिट क्या है मेरी नेगेटिव, तो इनको पॉजिटिव बनाना था तो मैं क्या करूंगा, इस लिमिट को नेगेटिव मान लूंगा। लेट एन इक्वल्स टू माइनस एम, यानी एम इक्वल्स टू माइनस एन, तो इसका मतलब क्या है, जब व्हेन एन इक्वल्स टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एम की जगह कितना आ जाएगा माइनस, माइनस इन्फिनिटी यानी प्लस का इन्फिनिटी, जब एम की जगह माइनस सॉरी एन की जगह व्हेन जब एन की जगह माइनस वन होगा तो एम की जगह कितना हो जाएगा माइनस, माइनस वन यानी वन, तो लिमिट क्या आ जाएगी वन टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू वन, एक ही बात है, समीशन में वन टू इन्फिनिटी जोड़ो या वन टू इन्फिनिटी, तब क्या रहने वाला रिजल्ट सेम ही रहने वाला है। तो मेरा एक्स ऑफ जेड किसमें टर्न हो जाएगा माइनस वन टू इन्फिनिटी में लिख लेता हूं डायरेक्ट, या इन्फिनिटी टू वन लिख लो, ए इंटू जेड इनवर्स की पावर कितना एन की जगह माना माइनस एम, इस माइनस वन को एम के साथ जो दोनों पे अंदर में दे देता हूं, तो मेरा ये क्या बन जाएगा नेगेटिव वन की पावर इन्फिनिटी, इस माइनस वन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए की पावर तो माइनस वन हो जाएगा और जेड की पावर माइनस वन हो जाएगी प्लस की वन। अब देखो अगेन ये इसको ओपन कर देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करो पहले, इसकी वैल्यू वन रखो, ए इनवर्स जेड की पावर टू, ए इनवर्स जेड की पावर तीन एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो अगेन फॉर्मूला लगा देते हैं ए अपॉन वन माइनस आर, तो इस बार ए की वैल्यू कितने होगी, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म ए की पावर एन जेड, आर की वैल्यू क्या होगी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी डिवाइड करने पे इसको क्या मिलेगा ए इनवर्स जेड, और कंडीशन जो क्या होती है मोड ऑफ आर क्या होना चाहिए वन से छोटा होना चाहिए, उसको भी फाइंड करेंगे, पहले सम फाइंड कर लेते हैं, तो एक्स ऑफ जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, नेगेटिव साइन बाहर है, ए की वैल्यू ए इनवर्स जेड वन माइनस आर की वैल्यू कितना है ए इनवर्स जेड, और कंडीशन क्या होती है मोड ऑफ आर वन से छोटा चाहिए, तो आर कितना आया ए इनवर्स जेड क्या होना चाहिए वन से छोटा, तो इसको मैं सिंपल करके वही ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसमें चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ए इनवर्स दिख रहा है, जिसका इनवर्स दिख रहा है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन एक्स ऑफ जेड क्या हो जाएगा मेरा ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ए के ऊपर मल्टीप्लाई की तो ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा वन, तो ऊपर बचेगा जेड, नीचे ए की मल्टीप्लाई करो हो जाएगा ए माइनस जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा